मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एस्टर इंडस्ट्रीज जो कि पैकेजिंग सेक्टर की कंपनी है उस पर चर्चा करेंगे। यह कंपनी भारत के अग्रणी निवेशक आशीष कचोलिया जी के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। कंपनी पॉलिस्टर फिल्म, स्पेसिटी पॉलीमर और इंजीनियरिंग प्लास्टिक जैसे उत्पाद बनाती है। पॉलिस्टर फिल्म फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है और स्पेशलिटी पॉलीमर जो कंपनी बनाती है वह रिगिड पैकिंग और टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस और टेलीकॉम जैसे विभिन्न तरह के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। कंपनी भारत में ही नहीं वरन विश्व में भी अपने उत्पाद को निर्यात करती है। यह 75 से ज्यादा देशों में अपने उत्पाद को निर्यात करती है जो कि काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। यूरोप के अधिकांश देश, अफ्रीका, अमेरिका के अधिकांश देशों में कंपनी अपने उत्पाद को निर्यात करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तराखंड खातिमा में है और हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। तो यहाँ अगर इस कंपनी की बात करें तो इनका अच्छा खासा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी है और इनके जो उत्पाद हैं वो अलग अलग तरह के इंडस्ट्री में काम आते हैं जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि इनके किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। पैकेजिंग सेक्टर की बात करें तो यह एक कमोडिटी प्ले है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ये सेक्टर पूरी तरह आधारित है। जैसे जैसे ज्यादा पैकेट और ब्रांडेड आइटम की डिमांड बढ़ेगी, टेक्सटाइल में भी अगर पैकेजिंग की बात करें हम, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कंपनी का इस्तेमाल होता है, तो इन चीजों की खपत जैसे बढ़ेगी वैसे कंपनी को भी फायदा होगा। तो एक तरह से ये FMEG, FMCG ये सब का प्रॉक्सी प्ले आप इन्हें कह सकते हैं। तो एक अच्छी कंपनी है जिसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं, एक ऐसा सेक्टर जो भविष्य का सेक्टर कहा जा सकता है क्योंकि अनऑर्गेनाइज से सारा चीज पैकेजिंग की तरफ मूव कर रहा है, सब कुछ पैकेट बंद ही लोग पसंद कर रहे हैं और उसी तरफ आगे दुनिया जा रही है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके पोर्टफोलियो के बाकी स्टॉक्स का विश्लेषण मैंने अपने वेबसाइट manipati.com पे किया है और भविष्य के वीडियो की जानकारी के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करिए। इस तरह से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका आपको पता चल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरी खुद की रिसर्च है और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।